वेलकम गाइस, मैं हूं नम्रता। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस सुपर टेस्टी और डिलीशियस रसमलाई को बनाने के लिए हम सबसे पहले काजू बादाम और पिस्ता को कट कर लेंगे या फिर उन्हें बारीक कूट लेंगे। अब हम थोड़ी मात्रा में दूध अलग रख कर उसमें केसर ऐड कर देंगे। इसे हम कम से कम आधे घंटे या मिनिमम 15 मिनट के लिए भिगा कर रखेंगे, जिससे केसर का कलर दूध में अच्छे से आ जाएगा और फिर हम इस दूध को बाद में अपना जो मलाई बनाएंगे उसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम दूध को गर्म करने के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर गैस पे रख देंगे और हम दूध को तब तक गर्म करेंगे जब तक कि वो अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी का आधा ना हो जाए। अगर आपके घर दूध पहले से ही बचा हुआ है तो आप उस दूध का भी इस्तेमाल इसे बनाने के लिए आसानी से कर सकते हैं। दूध में एक उबाल आने पर हम उसे बीच बीच में चम्मच से चलाते रहेंगे, जिससे दूध थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा और हम किनारों पे लगे हुए मलाई को भी दूध पर मिलाते जाएंगे। अब हम दूध में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करेंगे। मैं इसमें एक बाउल शुगर ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा। और ध्यान रहे कि ब्रेड भी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे, तो उसके हिसाब से हमें शुगर थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। आपको बीच बीच में इसे चलाते ही रहना है। पहले से भिगा कर रखे हुए केसर वाले दूध को अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप उसकी जगह हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में। आप देख सकते हैं कि ये दूध अब गाढ़ा होने लग गया है, तो अब हम इसमें कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता को ऐड कर देंगे। वैसे तो दूध को अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी का आधा हमें करना है, बट हमको ये ध्यान में रखना है कि जब दूध को हम ठंडा करेंगे तब वो और भी ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है, तो उसके हिसाब से आप उसे गाढ़ा कीजिएगा। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। आपको बीच बीच में इसे चलाते ही रहना है, जिससे कि दूध गाढ़ा होता जाए और मलाई भी उसमें ना चिपके। इन सभी चीज़ों के मिक्स हो जाने के बाद दूध और भी गाढ़ा होने लगता है, इस कारण हम फ्लेम को बंद कर देंगे और दूध को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद वाइट ब्रेड की स्लाइसेस को कट करने के लिए मैं स्टेनलेस स्टील के ग्लास का यूज़ कर रही हूँ, जिससे वो राउंड शेप में निकल के आएगा। आप अपने मनपसंद आकार में इसे कट कर सकते हैं, जिसके लिए आप चाकू का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से कट करके दिखा दूँगी, जो आपको इजी लगे आप वैसे कट कर लीजिएगा।
मैंने मलाई को ठंडा करने के लिए आधे घंटे लगभग फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हल्का सा और भी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब इन ब्रेड के टुकड़ों को जो पहले से हमने दूध को ठंडा करके रखा हुआ है उसके अंदर हम इसे डालेंगे। और हम सावधानी से इसे आराम से पलटेंगे। हम इसे कुछ सेकंड के लिए उसी में टिप करके रखेंगे जिससे ब्रेड जो है वो दूध को एब्जॉर्ब कर ले। अब हम रसमलाई को अलग से किसी बाउल या प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं रसमलाई पूरी तरीके से तैयार है। वैसे तो ये दिखने में काफ़ी यमी लग रहा है लेकिन इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए हम इसके ऊपर पहले केसर से गार्निशिंग करेंगे। उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल के भी इसे गार्निश कर दूँगी जिससे कि ये दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसा कि आप सभी ने देखा ये रेसिपी बनाने में कितना आसान है। आप सभी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसे खाकर यकीन नहीं करेंगे कि इतने इजी मेथड से बनाया हुआ चीज़ भी इतना टेस्टी हो सकता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।